जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आज हुए खुश में आप सभी का स्वागत है। आज इस जानकारी में, बहुत ही विशेष जानकारी में, हम बात करने वाले हैं खोखली के पौधे के बारे में। खोखली का पौधा वैसे तो एक जंगली पौधा है, कहीं भी आसानी से मिल सकता है, लेकिन पहचान ना होने के कारण इसे हम नहीं प्राप्त कर पाते, और जो भी कोई इसका उपाय करना चाहें तो वो भी रह जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप यही जानने वाले हैं कि खोखली का पौधा होता कैसा है, कैसे इसकी पहचान होगी, और इसे अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। इस पौधे के बारे में सारी जानकारी दूँ इससे पहले आप ये ज़रूर जान लीजिए कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे चैनल की एक व्यूअर हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, जिनका मैं नाम नहीं यहाँ पे शो करूँगी, और बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं किसी को आपत्ति भी हो जाए। तो ये वीडियो केवल और केवल जानकारी के पर्पस से दी जा रही है, और इसका जो होने वाला उपाय है बहुत ही बेहतर उपाय है। रविवार को होने वाला ये उपाय है, जिससे आपके सारे कष्ट क्लेश, धन का अटकना, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इस उपाय को अगर आप जानना चाहते हैं कि ये उपाय कैसे करना है, रविवार के दिन करना है, इतना आपको बता दूं कि रविवार को सूर्य की होरा में करना है। लेकिन ये उपाय क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस उपाय का, तो वो उपाय आप वहां से देखकर जान सकते हैं कि इसका क्या प्रयोग है, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, और ये उपाय किस प्रकार से करना है। इसी के साथ लाल गुंजा, काली लाल गुंजा होती है, उसका भी उपयोग इसमें बेहतर तरीके से बताया गया है। लाल गुंजा के साथ ही इस पौधे की जड़ को बांध करके इसे यूज़ करना है। कैसे करना है, कहाँ बांधना है, सारी चीज़ें आप उस वीडियो में ही आप देखिएगा। तो चलिए आज की जानकारी शुरू करते हैं। देखें, वैसे तो आपके आसपास अगर आपको इसकी पहचान हो जाए, जिस तरह से यहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखाई जा रही हैं कि खोखली का पौधा किस प्रकार का होता है। तो ये देखिए, पत्ते इसके साइडों से कटे होते हैं, तीखे होते हैं, और एक पान की शेप की तरह होते हैं, और इसका जो फूल आता है वो एक कुप्पी की तरह होता है। तो ये जो कुप्पी होती है, एक के ऊपर एक इस तरह से लेयर होती है, ये देखिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो पीछे जो आपको थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही है वो किस तरह से बनी हुई है, ठीक है ऐसी ही ये होती है, और पूरे फैली होती है। बाकी तो वैसे तो जंगली जो पौधे होते हैं एक लेयर में सीधे खड़े होते हैं, बढ़ते जाते हैं जैसे अपा मार्ग, लेकिन ये पूरा एक गुच्छेदार सा पौधा दिखाई देता है, और दिखने में सुंदर भी लगता है। इसके बहुत से तांत्रिक प्रयोग होते हैं, आयुर्वेद में भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखिए, ये आपको जंगलों में, प्लॉट में, नदियों के किनारे, आपको कहीं पे भी, तालाब के किनारे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन पहचान होना ज़रूरी है। और दूसरी एक चीज़, अलग अलग स्थानों पर हमारे भारत में कितनी ही भाषाएँ चलती हैं, तो सभी एक ही भाषा में इसे नहीं जानते। खोखली को हरित मंजरी भी बोलते हैं, जैसे इसके ऊपर कुप्पी जैसे इसके फूल निकलते हैं, वो मंजरी जैसी लगती है, तुलसी जैसी लगती है, लेकिन ये तुलसी नहीं है, इसे खोखली कहते हैं, ये खोखली का पौधा है। और भी अन्य भाषाओं में क्या क्या कहते हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंग्लिश में भी इसे कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा और भी अन्य भाषाएं जो हमारे भारत में चलती हैं, सभी में इसे क्या क्या कहा जाता है, सारी जानकारी आप ये वीडियो पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर नेम्स चल रहे हैं, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, बोलने में भी बड़ी दिक्कत आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है। बॉटनी के जो नाम होते हैं बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं, हमने पहले कभी सुने भी नहीं होते। तो इस तरह का होता है ये खोखली का पौधा। हिंदी में इसे कुप्पी कहते हैं, संस्कृत में हरित मंजरी, और कन्नड़ में कुप्पी गिडा, गुजराती में वेच्छी, कांटो चर्रजो झाड़, रुझाड़ो दादरो, तमिल में कुप्पेमणि, तेलुगु में भी कुप्पेमणि बोला जाता है, बंगला में इसे मुक्त झुरी, मुक्त बरसी, मराठी में खोखली, और मलयालम में
कुप्पा मणि ही इसे कहा जाता है। और मेन इसे जो इंग्लिश में बोला जाता है, बॉटनी में जो इसे बोला जाता है, वो है अकालिफा, अकालिफा इंडिका इसे बोला जाता है। मेन ज़्यादातर इसे खोखली और अकालिफा इंडिका के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, इसे ध्यान से देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसके पत्ते कैसे हैं और इसके फूल कैसे होते हैं, इसका डंठल कैसा होता है। तो अगर आपको आपके आसपास मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आपको नहीं मिले, किसी प्रकार के अभाव के कारण आपको नहीं मिलता, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है और इसी लिंक को टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया है, तो वहां से भी आप इसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो, ये प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है और ये केवल और केवल जानकारी के लिए, क्योंकि ये पौधा सभी को नहीं मिल पा रहा है और बहुत ही रिक्वेस्ट पर ही इस वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ, ये जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे अन्यथा मत लीजिएगा, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये केवल और केवल उपयोग करने के लिए और इसको किस प्रकार से, इसके फ़ायदे हैं और भी सारी जानकारी अगर आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और अगर आपको ये पौधा लेना है, ख़रीदना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे रेट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बाय चांस, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो चीज़ गलत भी आ जाती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए बाय चांस तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, इसे रिप्लेस भी हो सकती है ये, लेकिन प्रोडक्ट की श्योरिटी है। जो लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो लिंक, वो प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है और ओरिजिनल है, क्योंकि जितना मैंने वहाँ स्टडी किया है, बाकी तो आप इसे परचेज करेंगे तभी आप जान पाएंगे, क्योंकि मैंने नहीं मंगवाया, ये उपाय मैंने नहीं किया, सभी उपाय मैं नहीं करती हूँ, जो हमें लगे कि हाँ हमें करने चाहिए वही उपाय मैंने किया है और वही मैं करती हूँ, ज़रूरी नहीं होते सभी उपाय हम करें। तो जो भी खोखली के पौधे का उपाय प्रयोग करना चाहते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक लेकर ये प्रोडक्ट, ये पौधा खरीद सकते हैं और अपने उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्गेनिक और से बहुत मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमारे आउफ्यूजीले चैनल पर बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। गिलोय, पत्थरचट्टा और भी बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में आपको हमारे उस चैनल पर जानकारी प्राप्त होगी। और इसके अलावा आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों के बारे में भी वहां पे जानकारी देती रहती हूँ, तो हमारे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अंग्रेज़ी दवाएँ खाने से पहले एक बार घरेलू उपचार ज़रूर किया कीजिए, ताकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा कर आप अपने शरीर का नुकसान ना करें। तो चलिए, फ़िलहाल ये पौधा मुझे यहाँ मेरे आसपास नहीं मिला, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये पिक्स डालनी पड़ रही हैं। बहुत कोशिश की थी, मुझे नहीं मिला है, इसीलिए मैंने यहाँ ये लिंक डाला है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझे कीजिएगा। तो चलिए, नई वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह की नई वीडियोज़ पाने के लिए। जय जिनेंद्र।